हमारी बहन रूबिका पहाड़ी की है हत्या कैसे की जाती है, कितनी निर्मम तरीके से की जाती है। हम अपनी बहनों की सुरक्षा को लेकर के रोड में उतरे हुए हैं कि पहले उसके शरीर से उसके पूरे मांस को छील दिया जाता है, बाद में 50 टुकड़े कर दिए जाते हैं। दिल्ली में 36 टुकड़े किए जाते हैं, बिहार में 40 टुकड़े किए जाते हैं। तब वापस आएगी या प्रशासन का फोन आएगा कि आपके बेटी की लाश 40 टुकड़ों में मिली है, आप आकर के इनको समेट के ले जाइए। तो प्रत्येक 4 घंटे पे झारखंड में एक बलात्कार होता है, प्रत्येक 3 घंटे पे एक हत्या होती है, प्रत्येक 7 घंटे पे एक चैन स्नेचिंग होता है और प्रत्येक आधे घंटे में कोई ना कोई अपराध होता रहा है। रूबिका की निर्मम हत्या लव जिहाद नारी अपराध को लेकर आज बड़ा तालाब में जल सत्याग्रह किया गया। जल सत्याग्रह में भैरव सिंह भी उपस्थित थे। वहीं भैरव सिंह ने कहा कि आज हमारी बेटियां घर से पढ़ने के लिए निकलती है, जॉब करने के लिए निकलती है, तो माँ बाप को डर लगा रहता है कि हमारी बेटी शाम में घर लौट आएगी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग टीका लगाकर बेटियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाने के बाद धर्मांतरण भी करवाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रत्येक 1 घंटे में बलात्कार, प्रत्येक 3 घंटे पर एक हत्या होती है और प्रत्येक 7 घंटे पर चैन स्नैचिंग होते रहता है और प्रत्येक आधे घंटे पर अपराध होते रहता है। वही सरकार पर भी बरसे भैरव सिंह। देखिए, आज हम लोग जिन विषयों को लेकर के उतरे हैं वो हमारे पंपलेट और बैनरों से आपको पता चल सकता है। हम अपनी बहनों की सुरक्षा को लेकर के रोड में उतरे हुए हैं। हमारी बहन रूबिका पहाड़ीन की है हत्या कैसे की जाती है, कितनी निर्मम तरीके से की जाती है कि पहले उसके शरीर से उसके पूरे मांस को छील दिया जाता है, बाद में 50 टुकड़े कर दिए जाते हैं। दिल्ली में 36 टुकड़े किए जाते हैं, बिहार में 40 टुकड़े किए जाते हैं। आज जब हमारी बहन घर से निकलती है, हमारी बेटियां कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, अपने जॉब पे जाने के लिए घर से निकलती है, तो माँ बाप को डर लगता है कि हमारी बेटी जिंदा वापस आएगी या प्रशासन का फोन आएगा कि आपके बेटी की लाश 40 टुकड़ों में मिली है, आप आकर के इनको समेट के ले जाइए। आज अगर आप कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो 20, 21, 22 इनका रेशियो निकालते हैं 3 सालों का, तो प्रत्येक 4 घंटे पे झारखंड में एक बलात्कार होता है, प्रत्येक 3 घंटे पे एक हत्या होती है, प्रत्येक 7 घंटे पे एक चैन स्नैचिंग होता है और प्रत्येक आधे घंटे में कोई ना कोई अपराध होता रहा है। अपराध इतना बढ़ गया है कि आज हमारी माताएं बहनें घर से निकल नहीं सकती है। आज हम लोग यहाँ पर ठिठुरते हुए पानी में, जरा आप उतर के देखिए कि कितना कनकन पानी है यहाँ पर। ठंडे के समय में हमारी माताएं बहनें, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग साथ, हमारे युवा मित्र लोग सबको यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पानी में हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं, पानी में उतर करके लोगों को समझाने के लिए कि कष्ट झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन अपने परिवार, अपनी माताओं बहनों को हम लोग कष्ट झेलने नहीं देंगे। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार ऐस मौज कर रही है। सरकार अपने कानों में जू तक रेंगने नहीं देती है और उनका स्टेटमेंट आता है, ये तो हर सरकार में होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार में क्यों नहीं होता है? योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में क्यों नहीं होता है इस प्रकार का? क्योंकि वहाँ के अपराधी जानते हैं कि अगर एक को हम टच करेंगे तो हो सकता है प्रशासन की अगली गोली हमें लाकर लग जाए। लेकिन यहाँ की सरकार को कोई मतलब नहीं है, केवल लूट खसोट और अपने भ्रष्टाचार से मतलब है। ना हम यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है, ना प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था है। प्रशासन को संख्या देंगे तब ना प्रशासन काम करेगी। प्रशासन मजबूत है, सुदृढ़ है, लेकिन एक एक प्रशासनिक अधिकारियों पर चार चार आप लोग प्रभार देकर के रखे हुए हैं। इतना IPS की कमी हो गया झारखंड में। जब तक समाज सुरक्षित नहीं होगा हम इसी प्रकार का रोड में उतरते रहेंगे। हमें मजबूर मत करिए बड़े आंदोलन करने के लिए। सरकार का कहना है कि क्राइम तो हर जगह होते रहते। क्राइम इस प्रकार का होता है क्या? आप किसी राज्य का रेशियो निकाल करके देख लीजिए। जैसा मैंने बताया कि हर 3 घंटे 4 घंटे पे एक बलात्कार होता है, एक मर्डर होता है। इतना बड़ा क्राइम रेट, पहले का आप क्राइम रेट का रेशियो निकाल करके देखिए, ये तो बोलने वाली बात हुई। क्या आपकी बहनें, मतलब उनका कहना तो साफ है, आपकी माताएं और बहनें कटती रहेंगी, मरती रहेंगी, हमको कोई मतलब नहीं है भैया, हमको अपना लूट खसोट से मतलब, आप मरते रहिए। मौली पहनकर आपने लिखा एक बैनर जी, लव जिहाद का भी विषय है। ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे माननीय सांसद महोदय ने विषय रखा है, कई एक विधायकों ने विषय रखा है कि अपने आप को हिंदू बता करके, टीका लगा करके, मौली पहन करके और हमारी बहनों को फंसाने का काम करते हैं। हमारी सरना समाज की बहनों को लव जिहाद फंसा करके या तो उनकी हत्या कर देते हैं या उनके नाम से करोड़ों की जमीन खरीद के अरबों रुपये बेचते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन करके, या हमारी बहन को प्यार के जाल फंसा करके और उसको हत्या कर देते हैं, उसको पीस पीस में काट करके भेज देते हैं। सकल पदारत ही जगमाही, आँख अछत कछु लोकत नाही, आँख रहते हुए आदमी अंधा बना हुआ है। एक नहीं कई एक उदाहरण है। रूबिका पहाड़ीन का उदाहरण आप ले लीजिए, दिल्ली वाले केस को ले लीजिए, बिहार वाले केस को ले लीजिए। लड़का कौन था? वो लव जिहाद करने वाला जिहादी था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।